हाँ तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम 24 और 26 इंच टायर्स के बारे में बात करेंगे जो कि रेंजर साइकिल में मिल जाते हैं। आपके लिए कौन सी व्हील साइज परफेक्ट होगी, टायर की साइज कैसे पता करते हैं, किस कंपनी के टायर आपको लेने चाहिए, साथ ही प्राइस भी, और क्या आप अपने साइकिल में ट्यूबलेस टायर बिठा सकते हैं, और भी कई बातें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो फिर चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और रेंजर साइकिल टायर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि टायर की साइज कैसे पता करें। दोस्तों काफी लोगों को टायर की साइज ही पता नहीं होती। जब साइकिल टायर पुराना हो जाता है और टायर चेंज करने का समय आता है, ऐसे में अगर टायर की साइज पता ना हो तब साइकिल शॉप से कभी कभी गलत टायर या ट्यूब ले आते हैं। तो दोस्तों जब भी आप साइकिल शॉप से टायर या ट्यूब परचेस करने जाए तो पुराने टायर पर यहाँ ये साइज लिखा होता है, जैसे कि और ये सब साइज आपको टायर पर मिल जाएंगे और उसी साइज की ट्यूब भी होती है। अब दोस्तों जिन साइकिल में ज्यादातर स्टील मड़गड़ होते हैं उनमें आपको नॉर्मल टायर मिल जाते हैं जो कि ज्यादा ब्रॉड नहीं होते, जैसे कि हीरोमिग, हरकुलस टसल, हीरो तेजस या फिर हरकुलस स्ट्रीट राइडर। पर हरकुलस स्ट्रीट राइडर में पीवीसी मड़गड़ होते हुए नॉर्मल टायर मिल जाते हैं। ब्रॉड टायर्स आपको हीरो नेक्स्ट, हरकुलस वाइड रॉक और 91 बॉम्बे इस तरह के साइकिल में मिल जाते हैं जिनमें पीवीसी मड़गड़ होते हैं और टायर की साइज होती है 26 2.35 या फिर 26 2.40। तो आप पुराने टायर पर साइज देखकर टायर या ट्यूब परचेस कर सकते हैं। दोस्तों एक और बात, अगर आपकी साइकिल पुरानी हो चुकी है और आप ब्रॉड टायर नहीं रखना चाहते तो 26 या 24 इंच व्हील साइज में ब्रॉड टायर को निकाल कर नॉर्मल टायर बिठा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि आपकी साइकिल में स्टील रिम होनी चाहिए। दोस्तों मान लीजिए आपकी साइकिल टायर की साइज है 26 195, तो आप उसमें 26 की कोई भी ट्यूब बिठा सकते हैं। पर अगर आपकी साइकिल में ब्रॉड टायर है जिसकी साइज है 26 2.35 या 40, तो उस टायर में आप 26 195 की ट्यूब ना बिठाए, फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। तो 26 2.35 या 40 में उसी साइज की ट्यूब बिठाए। तो दोस्तों जितना हो सके जिस साइज का टायर है उसी साइज की ट्यूब बिठाए। अब बात करते हैं आपके लिए कौन सी व्हील साइज परफेक्ट होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आज की वीडियो में हम 24 और 26 इंच टायर साइज के बारे में बात करेंगे। तो 24 इंच टायर साइज या कहीं व्हील साइज बच्चों के लिए होती है जिनकी एज लगभग 8 साल से ऊपर हो, और जिनकी एज 12 साल से ऊपर है उनके लिए 26 इंच व्हील साइज कंफर्टेबल होती है, बाकी हाइट पर भी डिपेंड होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपको कौन सी कंपनी के टायर लेने चाहिए। वैसे तो आपको काफी कंपनीज के टायर मिल जाएंगे, पर हार्टेक्स, बेडरॉक, रेलको और रेलसन इन कंपनी के टायर्स अब अपने साइकिल के लिए परचेस कर सकते हैं और उसी कंपनी की ट्यूब भी मिल जाती है। तो आपकी सिटी या गांव में जिस कंपनी के टायर अवेलेबल है, टायर की डिजाइन और प्राइस इन सब को देखकर आप अपने चॉइस के हिसाब से टायर परचेस कर सकते हैं। बात रहेगी प्राइस की, तो आप टायर और ट्यूब की प्राइस स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये प्राइस आपके सिटी या गांव में कम ज्यादा हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं ट्यूबलेस टायर के बारे में। जहां पर आप साइकिल यूज करते हैं वहां पर साइकिल बार बार पंक्चर हो जाती है और आप बार बार होने वाले पंक्चर से परेशान है, तो आप अपनी साइकिल में ट्यूबलेस टायर बिठा सकते हैं। ये है ट्यूबलेस टायर जिसमें ट्यूब ही नहीं होती। आप पुराने टायर और ट्यूब निकाल कर ट्यूबलेस टायर बिठा सकते हैं। ट्यूबलेस टायर बिठाने के लिए दो चीजों का ध्यान रखें। नंबर वन, ट्यूबलेस टायर आप किसी भी साइकिल शॉप में या फिर घर पर नहीं बिठा सकते। जिस साइकिल शॉप में पहले भी ट्यूबलेस टायर बिठाया गया हो उसी साइकिल शॉप में ट्यूबलेस टायर बिठाए। और दूसरी बात, रिम की कंडीशन अच्छी हो, ज्यादा पुरानी या फिर खराब रिम में ट्यूबलेस टायर ना बिठाए। बाकी आप अगर ट्यूबलेस टायर के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। साइकिल रिव्यू, साइकिल मेंटेनेंस, ऐसी और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक
कमेंट और शेयर भी जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। ख्याल रखना अपना और अपनों का। थैंक यू दोस्तों।